support taking मैं I'm inviting Mr. Rajesh Tawari to come on stage and please share. Thank you. और मैं मुंडा हूँ अभी नयन साहब ने जो पता है नयन साहब का स्टूडेंट भी हूँ और उन्हीं को एक प्रोजेक्ट बनाया है मैंने अपना जिसपे पहले भी एक बनाया था वो नयन साहब को दिखाया था देखना पूरी तरह से रिजेक्ट हुआ था उसके बाद जब सीखने के बाद जो चीज बनाई है तो उसके बाद क्या हुआ वो देखिएगा अभी आगे आएगा इसके cineflix.com एक पैराडाइज ऑफ एंटरटेनमेंट इसका टैगलाइन है पैराडाइज ऑफ एंटरटेनमेंट का मतलब एंटरटेनमेंट हर तरह का एंटरटेनमेंट चाहे उसमें प्ले हो चाहे मूवी हो शॉर्ट मूवी हो ओल्ड मूवी हो हालांकि मेरा एम इसमें ओल्ड मूवी ज़्यादा नहीं है बट अभी फिलहाल जब तक ये सब्जेक्ट तब तो समझ में नहीं आ रहा तब तक के लिए मुझे इसमें ओल्ड मूवी तेलुगु मूवी या गुजराती मूवी या कोई भी तरह की रीजनल मूवीज वो सब डालूंगा मैं इसके ऊपर बट वो धीरे धीरे वो निकाल देनी है मुझे मेरा एम इसके अंदर एक पैरेलल सिनेमा सिनेमा बनाना है पैरेलल सिनेमा में एक सिनेमा जो 1913 में बना था इंडिया के अंदर आया था जो राजा हरिश्चंद्र बनी थी उसकी पिक्चर पहली पिक्चर पिक्चर था उसी तरह से इसका भी एक एस्टेब्लिशमेंट करना है ये एक पैरेलल सिनेमा जो इसका इस पिक्चर में इसमें जो पिक्चर लगेगी उसका अमिताभ बच्चन इसका खुद का होगा इसका सलमान खान खुद का होगा इसमें जो भी होंगे इसके स्टार्स अलग होंगे इसको वेब सीरीज भी बोल सकते हैं आप इसको वेब सीरीज भी बोलते हैं तो उस तरह से इसके अंदर मुझे इसका प्रोजेक्ट है मेरा उसमें अभी आप लोगों को बताने के लिए मैंने जल्दी जल्दी में पीपीटी बनाई है तो देख के बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या है इसमें क्या चाहता हूँ मैं जो मेन प्रोजेक्ट है जो यूएसपी है वो मैंने आपको अभी बताई अब इसके अंदर मैं ई कॉमर्स में 2012 से हूँ और 2014 में रिजेक्ट हुआ था ई कॉमर्स से नयन सर ने किया था दूसरा अब जाके मैंने ई कॉमर्स पे काफ़ी अच्छा नॉलेज बैठा है उसके कुछ शेयर्स भी कर सकते हैं कुछ हैं यहाँ पे भी इनको कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे जो मार्केट प्लेस का उन्होंने बताया था कि फ्लिपकार्ट स्नैपडील अमेजॉन वगैरह है उसमें मैं आज भी काम करता हूँ और मेरा उसमें कॉस्मेटिक सप्लाई का काम है जो मैं उसमें करता हूँ मेरा खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जो मैंने 2013 में बनाया था बट उसमें कोई ज़्यादा वर्क नहीं किया था बट अब इसको सीरियसली जो नयन सर से मेरे प्रोजेक्ट डिस्कशन हुआ था उसमें सीरियसली इस चीज़ का बहुत बड़ा गैप है और उसका आप कर सकते हो और इनफैक्ट इन्वेस्टर ने तो ये तक कहा है कि इट्स टू अर्ली इन ईयर ये तक भी बात कही है तो इसका मतलब इसका फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है आप समझ सकते हैं तो इसको हम लोग फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं एक सिनेमा हॉल की तरफ जिसमें टिकट्स होगी टाइम होगा जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं उस तरह से होगा वो तरह का हम इसमें लॉन्च करने जा रहे हैं इसका विजन मेरा सबसे बड़ा विजन है कि जो भी क्रिएटर्स हैं जो छोटी छोटी फिल्में बना सकते हैं बट बड़ा बजट नहीं है उनकी छोटी पिक्चरों को कहीं रिलीज नहीं मिलती वो कहीं पर भी रिलीज नहीं करते और अगर यूट्यूब वगैरह पर भी डालते हैं तो वहाँ पर उनको इनकम नहीं होती तो बना के पैसा खर्च करके क्या करें तो क्रिएटिविटी उनकी दब जाती है मेरा इस थिएटर को बनाने का यही एक उद्देश्य है छोटे बजट की छोटी पिक्चरें बनाए जो आधा घंटा से डेढ़ घंटा के बीच की हो और उसको यहाँ पे रिलीज करने का और उनको पैसा कमाने का मौका भी है तो मेरे विजन में वही है इंडिपेंडेंट सिनेमा हॉल बना लास्ट में आपने देखा इंडिपेंडेंट सिनेमा हॉल इसको सिनेमा बनाना उस तरह का सिनेमा हॉल बनाने का मेरा ये विजन है मिशन इसके अंदर है 1,00,000 मूवीज इसमें होनी है 2027 तक 2027 का मेरा विजन है 1,00,000 मूवीज इसमें हो जाएगी 10 करोड़ व्यूअर मंथली इसमें होंगे ये विजन और मिशन अपने को बनाना है वो तो आप सब ने सीखा हम सब उसी फैमिली से 15 करोड़ सब्सक्राइबर इसमें होंगे बड़े 15 करोड़ 2027 की मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स करके एक 1997 में जो आई थी 2007 में उसने फिल्म वगैरह किया था उसके आज भी 7.5 करोड़ व्यूअर सब्सक्राइबर है आज के डेट ऑल ओवर द वर्ल्ड 190 कंट्रीज तो मेरा मिशन आप समझ सकते हैं कोई बहुत बड़ा नहीं है यूएसपी मूवी की जो यूएसपी है मूवी आर नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बेयर क्योंकि मैं इसको एंटरटेनमेंट के लिए आपका एक पैरामीटर नहीं है
आप इंटरटेनमेंट कॉमेडी से भी होते हैं, आप इंटरनेट सोशल मीडिया सोशल टाइप की फिल्म से भी होते हैं, इमोशन से भी होते हैं। एक कुछ चीज इंटरटेनमेंट के लिए आपका फिक्स नहीं है कि आप इस चीज में आप फिक्स हो गए कि यहाँ पे बस इतना ही मिलेगा, या एक प्रोडक्ट है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपके लिए एक मेकअप का सामान है तो मेकअप के सामान में आपको क्या करना है आपको पता है। इंटरटेनमेंट एक ओपन सोर्स है, क्रिएटिविटी है, जिसका कि कोई कॉम्पिटिशन वैसे नहीं होता। तो इसके लिए इसमें कोई भी और दूसरा भी आ जाए, बट आपका क्रिएटिविटी क्या है वो आपको देखते हैं लोग, इसलिए आपके फॉलोअर बनते हैं, आपके सब्सक्राइबर बनते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो इसमें कोई कॉम्पिटिशन वैसा नहीं होता है। और बाकी रही बात कि इस सिनेमा हॉल में आने वाले टाइम में बहुत जल्द आने वाले हैं, जो जिनकी और भी तैयारियां चल रही हैं, मैं इस फील्ड में हूँ इसलिए मुझे पता है। तो मेरा लेकिन उसके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की एक जो ये बोलते हैं अपना प्रोडक्शन हाउस, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन हाउस के साथ टाइप भी, और अपना खुद का भी प्रोडक्शन हाउस, तो इसमें कोई वो नहीं। अच्छा, मैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, आपकी मूवी आज भी आप देखते हैं तो आपका नेट जो है बहुत ज़्यादा डेटा खा लेता है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है और लोग कम देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, और प्राइस भी ज़्यादा लगता है। तो मैं इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ जो 400 KB को कन्वर्ट कर देगा, मिनिमाइज 100 KB, मतलब 25% सीधा 25% हो जाएगा आपका नेट यूज़ जो होगा, 25% आपकी पिक्चर मिल सकती है। तो वो यूज़ कर रहा हूँ, इसको कोई भी कॉपीराइट नहीं कर सकता, मतलब कोई इसको डाउनलोड करके उसको वायरल नहीं कर सकता, वो टेक्नोलॉजी में मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आप मूवी देखेंगे तो आपकी एक हिडन में आपकी आईपी उस पर चली जाएगी। अगर आप उसको डाउनलोड या कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो वो आईपी उसके साथ ही आएगी, तो पता चलता है कि कौन सी आईपी से आया, और आईपी से आप सब चीज़ ढूंढ सकते हो आज के डेट में कि कौन क्या है क्या नहीं। तो और फ्रेश सब्सक्राइबर एंटरटेनमेंट जो होने वाला है एकदम फ्रेश भी रहेगा, उस तरह से चलेगा। इसमें फिल्म के लिए तो और भी बहुत जन हैं इसमें, जो अभी आगे मैं बताऊंगा कि और भी बहुत लोग हैं तो वो चलेगा, लेकिन इसके अंदर मेरा एक अपना जो एम बताया था मैंने, इसका खुद का ही ये फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह वो सब मैं इसमें करने वाला हूँ, ये सब चीज़ें मेरे आगे की प्लानिंग में है जो इसमें लाएंगे। जो एग्जिस्टिंग अभी जो कर रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स वगैरह का यूट्यूब का वगैरह, वो खाली स्ट्रीमिंग करते हैं या डाउनलोड का फैसिलिटी, नेटफ्लिक्स वगैरह डाउनलोड का फैसिलिटी देते हैं, बट वो चीज नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूँ इसके अंदर। और इसमें सेलर क्या करेगा, सेलर्स के बारे में बताया कि उसको एक पैनल हम लोग दे देंगे जो मार्केट प्लेस के अंदर देते हैं, वो सेलर्स अपना मार्केट उसको पैनल मिल जाएगा, वो अपनी पिक्चर अपलोड कर देगा और वहीं से अपना पूरा देख सकेगा मेरी पिक्चर में कितने व्यूअर्स आए, कितने पैसे आ रहे हैं, सब कुछ उसको मालूम पड़ेगा वहाँ पे, वो इस तरह का होगा। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कंपटीशन, एक्चुअली कंपटीशन नहीं बट इस फील्ड में, इस फील्ड के अंदर यूट्यूब है, हॉटस्टार है, बॉक्स टीवी है, सिनेमा नाउ, मूवी फ्लेक्स, स्क्रीन मीडिया, नेटफ्लिक्स, ये सब बाहर की कंपनियां भी हैं काफ़ी जो इसमें है लगी हुई, लेकिन वो सब डाउनलोड और या फॉरेन मूवीज वगैरह के लिए है, उसके लिए चल रहा है। हीरोज नाउ बहुत सारी है ऐसी, अभी सारे नाम यहाँ पे कहाँ लिखे बैठे सैंपल्स लिखे। अभी इंटरनेट यूजर इंडिया में 500 मिलियन है, 2017 तक बोल रहे हैं 500 मिलियन हो जाएगी, बट ये इससे भी ज़्यादा होने वाले ये उस हिसाब से देखिए। पिक्चर्स की जो रेशियो है जब 20.85% तक जा रही है, 25.8% से सालाना बढ़ रही है, तो वो है ग्रॉस ऑफिस ये पिक्चर्स के जो है 88.3 बिलियन वर्ल्ड का मार्केट है इसके अंदर, उसमें चल रहा है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस है 3 बिलियन इंडिया का। ये मेरा कुछ बायोडेटा है जो मैं 25 साल से बिजनेस कर रहा था, वो अभी लर्न किया था लेकिन अभी अनलर्न कर रहा हूँ और नया लर्निंग चालू हो रही है, तो वो सब तो भूल गए। अब दूसरी वेबसाइट में वगैरह मैंने 2000 में किया था, 1999-2000 में भी उस समय मेरा विजन हो गया था कि वेबसाइट पर कुछ चलेगा, लेकिन 2006-2007 में तो सब वो बबल्स से जो फूट गए थे तो वो चले ही नहीं थे, लेकिन वापस अब चालू हो गया वो, और अब रियल चालू हो गया, अब इंटरनेट है लोगों के पास, लोगों को एक्सपीरियंस हो गया, अब रियल चालू हो गया। बाकी मैं ये जो आईएसबी
ई कॉमर्स इंस्टीट्यूट है वो नेहंदर है जिसमें मैंने अभी कोर्स किया है और WSC से तो आप सब जानते हैं और फिल्म डायरेक्शन का भी कोर्स किया है। ये सबसे बड़ी चीज है। नयन सर मेरा को फाउंडर है। अब आप को फाउंडर ले लो, अभी इन्होंने बताया था यंग मेरे को फाउंडर मेरा यंग नयन सर है जिनको मैंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया और वो मेरे साथ जुड़े इस प्रोजेक्ट के लिए और हर तरह से हेल्प कर रहे हैं मुझे। तो उनका इंट्रोडक्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद भी आप समझ चुके हैं। और मेरे टीम में जो है एक विनोद करके है, सारिका है और रेशमा है। सारिका मेरा जो भी कॉमर्स का काम हो रहा है, ई कॉमर्स का प्लेट मार्केट प्लेस का काम हो रहा है सारा देख रही है और विनोद जो है ये सीनियर फिल्म की पूरी साइट डिजाइन कर रहा है इन हाउस, मेरा बाहर कुछ भी काम नहीं है। और रेशमा मैडम मैनेजमेंट का काम। ये प्रोजेक्ट का जो मैंने प्रोजेक्शन किया ये भी सर से ही सीखा और इसका प्रोजेक्शन बनाया। इसका पूरा प्रोजेक्शन अलग बिजनेस प्लान जो बोलते हैं वो मेरा पूरा बना के रखा, लेकिन यहाँ स्नैपशॉट डाला खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इसमें मैंने दिखाया कि 3 साल में मेरा जो प्रॉफिट आना शुरू होगा, पहले साल में नहीं, और जो टर्नओवर है वो खाली मेरे 4.3 लाख रुपीज का ही है क्योंकि पहले आपको मार्केटिंग करनी है सारी चीज़, तो उस समय सब्सक्राइबर इतने आप नहीं सोच सकते कि उस सब से मैंने इसमें प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन बाद में जाके 5 साल में जाके 190 होता है क्योंकि 190 से बहुत ज़्यादा ही होगा मुझे पता है फिर चलता है उसे। और ये ब्रेक इवन आने के बाद में फाइनेंशियल ब्रेक इवन चौथे में आता है जिसमें प्रॉफिट अर्निंग शुरू होते हैं, ब्रेक कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस है वो खत्म हो जाते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एंजल इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ। 95 लाख मेरा जो कैश फ्लो के अंदर देखा गया था, 95 लाख का शॉर्टफॉल आता है 6 से 8 महीने के अंदर। वो कैसे होता है उसका पूरा एक दिन का पूरा लेक्चर कैश का कैसे बनाते हैं सब में बताया हुआ है, तो उस सब मैंने बनाया है। और उसमें 95 लाख की रिक्वायरमेंट आती है 6 से 8 महीने के अंदर। कंपनी वैल्यूएशन 3.8 ही जाती है अगर 95 में लेता हूँ। तो ये वैल्यूएशन भी कैसे होता है वो भी आपको अभी समझ में आ गया, अदरवाइज तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे बट अभी ठीक है। और 25% इक्विटी मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद में तुरंत मैं सीड कैपिटल के लिए जाऊँगा, वो 3.8 करोड़ रुपये में ले जाऊँगा और उसमें 12 से 8 25% वैल्यूएशन 15.5 करोड़ के आसपास होगा। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसके अंदर कुछ कोई या कुछ कर सकते हैं या कोई इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उससे मिल सकते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह किसी से पूछिए। या मैं आपको कंटेंट एक्विजिशन में हेल्प कर सकता हूं? जी जरूर जरूर से मिलेंगे। हर एक टाइप का आपको कंटेंट एक्विजिशन ये मुझे वो इनिशियली चाहिए। एनिमेशन हो के फिल्म हो के शॉर्ट फिल्म रीजनल फिल्म्स हो। ओके हां हां वो ये एरिया में सीरियल और सीरियल्स भी हो हर एक लैंग्वेज की। ठीक है आई कैन गिव यू कंटेंट बताया। मेरा कजिन है इस लॉट ऑफ लाइब्रेरी ऑफ दिस हॉरर मूवीज हिमसेल्फ इज इन दिस इंडस्ट्री फिजिकली वो साउंड इंजीनियर पर बाय पैशन इसे सब डेवलप किया है। इट कैन बी गुड सोर्स टू यू। ओके थैंक यू।